नमस्कार सतियात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर के मजवा विधानसभा समाजवादी प्रत्याशी दामोदर मौर्य ने किया नामांकन। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जनपद में विधानसभा चुनाव के सातवें चरण के नामांकन में समाजवादी प्रत्याशी मजवा विधानसभा प्रत्याशी दामोदर मौर्य जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के साथ जाकर नामांकन किया। उनके साथ में काफी समर्थक मौजूद रहे। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने माला फूल पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। सत्यता न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। स्वास्थ्य और शिक्षा ये महत्वपूर्ण है और मजवा की पब्लिक का आशीर्वाद मिलेगा। इन तीन मुद्दों पर पूरा ध्यान देंगे और पूरा काम। आपके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जो लोग पहले से तैयारी में जुटे थे वो अपवाद है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में आप चिन्हित कर लीजिए, कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं है। क्या किसी का व्यक्तिगत कोई मामला होगा या कोई अपना इशू होगा तो वो है हमारी जानकारी में। अभी तक आप भाजपा में थे, कुछ महीने पहले तक अचानक समाज तो राजनीति में तो होता रहता है, बहुत बड़े बड़े लोग चले जाते हैं। लेकर जाएंगे जनता के सामने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दो विजन बताइए जो आप अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। हमारा तो तीन चार विजन है, स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करना है, शिक्षा को भी करना है, बेरोजगारी को भी करना है। जनता क्यों वोट दें, क्यों चुने आपको? अरे जनता, हम मझुआ के बेटे हैं, हम जो है कि रात दिन जनता के बीच में रहते हैं। सारे लोग हमारे भाई हैं, माता पिता हैं, तो सबके बीच में हम हमेशा रहते हैं। हमको वोट देंगे सब। पूर्वांचल में जातिगत आंकड़ा ही जो है मायने रखता है चुनाव में, ऐसा कहा जाता है, क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। साइकिल